बताओ आदि, क्या महक आ रही है तेरे ऑफिस से? लेट मी गेस, ये सब आलिया ने किया ना? हाउ स्वीट ऑफ हर, व्हाट अ स्वीट गर्ल। भाई तुझे क्या हुआ है, इतनी टेंशन में क्यों लग रहा है? मामू से शिमा के बारे में बात करूं या ना करूं? बता मुझे क्या बात है। अरे मुझसे क्या छुपा रहा है, तुझे बचपन से जानता हूं, बोल व्हाट्स ट्रबलिंग यू। एक्चुअली मामू, मेरा एक दोस्त है, उसकी वजह से मैं थोड़ा टेंस्ड हूँ। उसकी एक बुआ है, वो अपने हस्बैंड के साथ नहीं रहती, दोनों सेपरेट हो गए। अब वो किसी और के साथ रह रही है और वो अपनी लाइफ में आगे बढ़ना चाहती हैं, तो इसलिए मेरा दोस्त काफ़ी वरिड है। उसको समझ नहीं आ रहा है कि ये डिसीजन सही है या नहीं है। आप कोई सलाह दोगे मामू? एक ही सलाह है जो मैं हमेशा सबको कहता हूँ, एक दूसरे से बात करो। आदि यही प्रॉब्लम है हमारी मॉडर्न जिंदगी में, हम सब इतने खोए हुए हैं ना अपने काम में, अपने फोन्स में, कि एक दूसरे से बात नहीं करते। इट्स एज सिंपल एज दैट। अपने कम्युनिकेशन चैनल्स खुले रखो। जब हम एक दूसरे के साथ बात करते हैं, एक डायलॉग ओपन रखते हैं, सारी प्रॉब्लम्स का हल हो जाता है। और जैसे तेरे दोस्त को उसकी बुआ से बात करनी चाहिए, सेम उसी तरह तुझे आलिया से बात करनी चाहिए। मतलब ये सब आलिया ने तेरे लिए भेजा, फ्लावर्स, वाओ, चॉकलेट्स, बलून्स, तूने उसे थैंक यू बोला? नहीं, यही तो प्रॉब्लम है भरपूर था। नो वंडर मुझे मनी का फोन आया था, कह रहा था कि आलिया थोड़ी सी अपसेट है। मुझे लगा कि मुझे अपने भांजे से बात करनी चाहिए। आदि, आलिया तेरी फियांसे है, यू हैव टू कीप डायलॉग एंड कम्युनिकेशन ओपन विद हर। तुझे उससे बात करनी चाहिए, इतनी स्वीटली तेरे लिए इतना सब कुछ किया, थैंक यू तो बोल दे उसे कम से कम। यू नो, जब हम प्लेन में बैठते हैं ना, तो टेक ऑफ से पहले एयर होस्टेस कहती है, दूसरों की सहायता करने से पहले खुद की सहायता करनी बहुत जरूरी होती है, वेरी इंपॉर्टेंट। सेम उसी तरह तुझे भी अपने दोस्त की हेल्प करने से पहले अपनी खुद की हेल्प करनी होगी। फोन लगा ले। मैं कर लूंगा मामू, थोड़ी देर बात कर लूंगा। कर लूंगा क्यों, अभी करेगा तू, तेरा फोन कर मेरे पास से। वाओ, आलिया एक मिनट। अच्छा बरखुदा, प्रॉब्लम सॉल्व, खुद की हेल्प कर, ऑलराइट, टेक केयर। आ गई ना लाइन पे, फाइनली मेरी याद आएगी। पर बच्चों, जब तक 100 टाइम सॉरी नहीं बोलते ना, पैचअप नहीं करने वाली। कीप ऑन कॉलिंग। फोन तो उठाओ यार, ये तो खुद गलत टाइम पे फोन करती है, ऊपर से फोन नहीं उठा रही है। हाँ बोलो। क्या बोलूं? जो बोलना चाहिए। हाँ, मैं यही कह रहा था कि कैसे हो और वहाँ पे सब कैसे हैं? हाँ ठीक हूँ, मौसम भी बहुत अच्छा है। वैसे आदि, तुम मुझसे इतने स्टूपिड क्वेश्चंस पूछ सकते हो, लेकिन सॉरी नहीं बोलोगे राइट? ठीक है, एक काम करो, तुम मुझे भूल जाओ, और आज के बाद ना मुझे ना ही कॉल करना, मुझे मैसेज करना, ओके? बाय। आलिया फोन मत काटना। सुनो, मैं तुम्हारी टांग खींच रहा है। लिसन, मैंने सॉरी बोलने के लिए ही कॉल किया। पहले काम बहुत ज्यादा था, बहुत स्ट्रेस था, इसलिए थैंक यू नहीं बोल पाया। थैंक यू सो मच। नहीं, माफी तुम्हें बिल्कुल नहीं मिलेगी, पर हाँ एक शर्त है, तुम्हें माफी मिल सकती है अगर तुम आज ही मेरी इंडिया के लिए टिकट बुक करो, क्योंकि मुझे वहां पे आना है और तुम्हारे साथ बहुत सारा टाइम स्पेंड करना है। ठीक है, मैं घर पहुंचकर तुम्हारी टिकट्स बुक कर दूंगा, अभी ऑफिस में थोड़ा काम है, मैं बाद में कॉल करता हूँ, ठीक है? ओके बाय। अब आया ना ऊंट? नहीं, आदि, मेरा आदि पहाड़ के नीचे। यस, आई एम गोइंग टू इंडिया। आलिया को कैसे बताऊं कि मेरे दिमाग में कितनी भगदड़ मची हुई है। काम करते, इसी वहां से ही जाके बात करते।